हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं CCMN काउंसलिंग में MSc फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स को चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे फिल करना है, क्या क्या पैरामीटर्स ध्यान में रखते हुए कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर को फिल एंड सेव करना है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्लियर कर दूँ कि स्टूडेंट जैसे आप CCMN पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, फाइनल सबमिट कर लेते हैं, तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है अवेलेबल चॉइस का। तो आपके सामने जो भी अवेलेबल चॉइस आती है, जो भी प्रोग्राम आता है, ऐसा नहीं कि आप उन सभी में एलिजिबल हैं। ये जो अवेलेबल चॉइस है वो आपके डिग्री और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आती है। अब इसके बाद आपको चेक करना है कि जो भी आपके सामने अवेलेबल चॉइस है उन सब में आप एलिजिबल है या नहीं है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये वाला जो अवेलेबल चॉइस है वो BSc ऑनर्स फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इनमें आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा, उसके बाद आपको कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करना होगा। जैसे मान लो NIT नागपुर है, NIT कलिकट है, तो NIT कलिकट में कम से कम आपके ग्रेजुएशन में 3 सेमेस्टर मैथमेटिक्स होना चाहिए। और जैसे ही NIT नागपुर है, उनके लिए एक क्राइटेरिया है MSc फिजिक्स के लिए कि आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। अब जिन बच्चों के केवल 2 ही सेमेस्टर मैथमेटिक्स था BSc ऑनर्स वालों के, वो बच्चे बेचारे यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक लेना है। और जैसे अगर आप नागपुर में या कलिकट में अप्लाई करें तो इसका भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक लेना। इसी प्रकार सभी इंस्टीट्यूट के जो प्रोग्राम है उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेक लेना है। इसके साथ स्टूडेंट्स, जो आपकी फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस है, थर्ड चॉइस है, उनको 1, 2, 3 नंबर पे आपको रखना होगा। इस सीक्वेंस में आपको रखना है, या फिर आप चाहते हैं कि मेरी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग मेरे को बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट अलॉट हो जाए, तो आपको किस ऑर्डर में रखना है, आपको टॉप टू लोअर ऑर्डर में रखना है। पहले आपको टॉप NITs रखनी है, उनके टॉप ब्रांच रखने हैं। जैसे अपने फिजिक्स में तो एक ही होता है, जैसे NIT राउरकेला, तो उसमें MSc फिजिक्स भी है, ऑटोमोस्फेयर साइंस भी है। तो ऑटोमोस्फेयर साइंस को आपको लास्ट में रखना है, पहले आपको कोर ब्रांच रखनी है अगर आप कोर ब्रांच में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आप स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्टेड हैं जैसे ऑटोमोस्फेयर साइंस में, तो आप वो भी रख सकते हैं। अगर आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको टॉप NITs फिल करनी है, उसके बाद में आपको मिडिल रेंज की NIT फिल करनी है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपको लोअर NITs है या फिर सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट जैसे स्लाइट पंजाब है उनको आपको फिल करना है। जहां पर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप उनको छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो अवेलेबल चॉइस है उनको सबको ऐड करना है, उन सबको आपको चूज करना है, आप स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा कोई कॉलेज या ब्रांच जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसको आपको ऐड नहीं करना है, उसको आपको यहीं छोड़ देना है, उसको फिल नहीं करना है चॉइस फिलिंग में, ये आपको ध्यान रखना। इसके साथ स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सर हम मिनिमम कितनी चॉइस फिल कर सकते हैं। मिनिमम आप एक चॉइस फिल कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे का टारगेट है कि मेरे को केवल NIT वारंगल के MSc टेक प्रोग्राम में एडमिशन लेना है और कहीं नहीं जाना है, तो वो केवल एक चॉइस भी फिल कर सकता है। और मैक्सिमम आप सभी फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम आप सभी फिल कर सकते हैं। लेकिन बात ये ध्यान रखना कि आप सभी में एलिजिबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनमें सब में एलिजिबल ही ना हो और आप उन सबको सेव कर दें, ऐसा करने पर आपका सीट कैंसिल हो जाएगा सीट मिलने के बाद। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करनी आपको। तो स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के बाद स्टूडेंट्स आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर फिल करना है। इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर आपका BSc ऑनर्स इन फिजिक्स है या आपका BSc इन फिजिक्स है या नॉर्मल BSc है, तो स्टूडेंट्स आप इस तरीके से चॉइस फिलिंग ऑर्डर फिल कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप NIT वारंगल रख सकते हैं। अगर आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, अगर आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप NIT वारंगल रख सकते हैं। NIT वारंगल में MSc टेक प्रोग्राम है, 3 साल का प्रोग्राम है। अब जिन बच्चों को 3 साल नहीं देना है MSc के लिए, वो स्टूडेंट्स इसको स्किप कर सकते हैं। या जो बच्चे PhD करना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, एब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, वो बच्चे इस प्रोग्राम को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे PSU को ज्वाइन करना चाहते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं या फिर प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, वो स्टूडेंट जो है जो MSc टेक वाला प्रोग्राम है NIT वारंगल का, उसको फर्स्ट नंबर पे रख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप NIT तिरची रख सकते हैं, सूरतकल रख सकते हैं। सूरतकल भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है प्लेसमेंट के लिए। अब कुछ बच्चे इनमें जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं, पहले तिरची या सूरतकल को अप डाउन कर सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो PK सर बता रहे हैं सेम वैसा ही फिल करके आना है, आप अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कोर्स करिकुलम के अकॉर्डिंग भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट्स आप राउरकेला रख सकते हैं। राउरकेला के बाद आप कलिकट या जयपुर को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। जैसे साउथ वाले बच्चे होते हैं तो वो जयपुर के कंपेरिजन में NIT कलिकट को ज़्यादा लाइक करते हैं। इसी प्रकार जो नॉर्थ के बच्चे होते हैं वो कलिकट के कंपेरिजन में जयपुर को ज़्यादा लाइक करते हैं, और लगभग दोनों का डिपार्टमेंट है वो लगभग सिमिलर है। उसके बाद आप नागपुर और जमशेदपुर को रख सकते हैं इस सिक्वेंस में। नागपुर और जमशेदपुर में ज़्यादा प्लेसमेंट आपको जमशेदपुर में मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही उसके बाद आप IST सिपुर को रख सकते हैं, जो फिजिक्स के लिए काफ़ी अच्छा है और अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद शानदार रहेगा IST सिपुर, जिसमें आपको 1 साल प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलेगा। इसके बाद आप हमीरपुर है, दुर्गापुर है, जलंधर है, भोपाल है, पुडुचेरी है, सिलचर है, वो रख सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स आप अगरतला, रायपुर, स्लाइट पंजाब, श्रीनगर रख सकते हैं। इसके बाद जो भी आपके लोअर इंस्टीट्यूट है वो रख सकते हैं।
इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर आपकी चॉइस फिलिंग में डाइट पुणे के दो प्रोग्राम शो करें, एमएससी टेक फोटोनिक्स वाला और नॉर्मल एमएससी फोटोनिक्स वाला, तो स्टूडेंट्स आप उनको थोड़ा ऊपर रख सकते हैं अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं। अगर आप फोटोनिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ पर ऊपर कर सकते हैं। ये बिल्कुल प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। अगर यहाँ एडमिशन लोगे तो जैसे एनआईटी वरंगल में फोटोनिक्स का प्लेसमेंट होता है, वैसे आपका यहाँ पर भी पीएसयूज में या कंपनीज में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। बिल्कुल ये प्लेसमेंट ओरिएंटेड डिज़ाइन किया हुआ प्रोग्राम है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपके दिमाग में ये भी सवाल आता होगा कि सर डाइट पुणे जाए या नहीं जाए, तो स्टूडेंट्स आपको मैं क्लियर कर दूं कि लास्ट ईयर डाइट पुणे ने एमएससी मटेरियल साइंस प्रोग्राम लॉन्च किया था, जहां पर अभी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जिनका अभी एक साल कंप्लीट हो चुका है, उनका रिव्यू बहुत शानदार है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है डाइट पुणे एमएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारी एनआईटीज उतना नहीं कर रही है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है डाइट पुणे भी। इसके साथ ही बहुत सारे बच्चे जिनके चार सेमेस्टर मैथमेटिक्स नहीं है या तीन सेमेस्टर मिनिमम मैथमेटिक्स नहीं है, जिनके केवल दो ही सेमेस्टर मैथमेटिक्स है, तो उन स्टूडेंट्स को नागपुर को और कलिकट को नहीं रखना है। मैंने क्लियर कर दिया ना पहले ही, जिन बच्चों के केवल दो ही सेमेस्टर मैथमेटिक्स है उनको नागपुर और कलिकट नहीं रखना है, वो उसमें एलिजिबल नहीं है। इसके साथ ही जो बच्चे बीएससी बीएड किए हैं उनके लिए लगभग 10-12 चॉइस ही होती है, तो उनको इस ऑर्डर में फिल कर देना है। इसके रिगार्डिंग आपका और भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो यार कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद।